गो गो बॉल पकड़ गया शमीज जाओ गुड वेरी गुड अस्सलामुअलैकुम उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे जहाँ खुश होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो व्लॉग शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर लाए काइंडली हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। तो अभी अभी ऑफिस से वापस आया हूँ और आजकल जो ऑफिस भी खत्म होता है ना वो तकरीबन शाम हो जाती है, घर पहुँचते पहुँचते मगरब की अजानें आना शुरू हो जाती हैं। तो अभी अभी घर पहुँचे, कपड़े वगैरह भी जिन्हें चेंज किए और आज लेट इसलिए भी हुआ, कुछ सामान वगैरह लेना था घर का, वो लेते लेते बिल्कुल ही मगरब हो गई। हाँ जी क्या हो? ओ इधर हमारे चौधरी साहब बैठे हुए, ये देखे चौधरी साहब बिल्कुल रेडी होकर बैठे होते हैं, कहते हैं पापा पापा का इंतजार हो रहा था। और ये तो बेडशीट भी चेंज कर लिया आपने चौधरी, आज दूसरे वाली बेडशीट भी बिछा दी। वो हम एक दफा दो लेके आए थे तो वो एक यूज की थी लेकिन एक यूज नहीं की थी, तो आज वो दूसरी भी निकाल ली माशाल्लाह से, तो इसका भी पता हो गया। हाँ जी और ये हमारे पे और फर्स्ट हमारे पर्सन जो है वो चौधरी साहब है, वो इसके ऊपर बैठे हैं और इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। ये कुछ चीजें लेनी थी वो मैं लेके आया था, ये देखें ये शवेस का जैम है और ये शॉर्मा की ब्रेड है और शवेस का दूध भी आया हुआ है और ये दूध और ये बटर पेपर और ये पैन और ये एल्युमिनियम की शीट है। ये बटर भी नूर करो, ये पहले मैं कभी नहीं ले गया, ये आज फर्स्ट टाइम ले गया हूं। इनका क्या करना है? शवेस के लिए हम बनाने जा रहे हैं केक। ओ जीजू का केक सुन लिया, ये नीचे लेट क्यों रहे हो भाई? उठो 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 चींटी काट। इन चीजों का लेने का मकसद ये था कि शवेस के लिए बिस्किट और केक वगैरह बनाने, क्योंकि अब हमारे पास दूसरा ओवन आ गया, बेकिंग ओवन आ गया, तो आजकल ये बेकिंग चल रही है तो इसलिए चीजें मंगवाई है। तो लेट्स सी केक बनते हैं या रस बनते हैं, पता नहीं क्या क्या बनता है। जी नीचे से क्या ढूंढ रहे हो? ओह ये देख अंगूर ढूंढ लिया, ये ओए खराब है, ये गंदा है गंदा ये जो है। चले तो शवेज के लिए शॉर्मा बनाओ, अच्छा सा हेल्दी सा शॉर्मा बनाओ। वापसी पे ऑफिस से आते हुए शवेज के लिए एक जरूरी मतलब एक इम्पोर्टेंट आइटम लेके आए हैं, वो आप लोगों को दिखाते हैं कि वो क्या चीज है। ये है जी ये चक्कर, ये मेडिकल स्टोर से मिला है, शवेज के लिए लिया है हमने स्टीम एंड इनहेलर। अच्छा ये सर्दियां आगे सर्दियां आ रही हैं तो स्टीम की जरूरत पड़ती है बच्चों को, तो वो वैसे नॉर्मल स्टीम देते हैं तो वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है और बहुत ज्यादा हॉट भी होती है और जिसकी वजह से मुंह जलने का खतरा होता है क्योंकि बच्चों की स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है। ये बच्चों के लिए स्पेशल स्टीमर प्लस इनहेलर है, तो ये जरा लिमिटेड और कंट्रोल क्वांटिटी निकलता है। ये करते हैं अनबॉक्सिंग और इसको चला के देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करता है। बड़ा हैप्पी हो रहा है, वो देख रहा है कि मेरे लिए कोई गिफ्ट आए, तो ये आप लोगों के भी काम आ सकता है, आप लोग भी देख लें अगर आप लोगों को कोई जरूरत हो तो ये आप लोगों के भी काम आ सकता है। और यहाँ से इसके अंदर डालते हैं ये पानी और फिर इसको ऑन करेंगे और फिर ये देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी निकलता है स्टीम की और कैसे निकालता है। और ये कुछ इसके साथ इसके साथ फिटिंग वगैरह भी है, ये मेरे ये यहाँ पे लगेगा और ये है इसके साथ एक और पाइप है कनेक्टिंग पाइप और फिर ये यहाँ से इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगी। जब बच्चा जो है स्लीपिंग कंडीशन में हो तो तब ये वाला यूज करते हैं और जब जाग रहा हो तो फिर ये यहाँ से ऊपर से निकालते हैं। एक्सटेंशन वगैरह मैंने लगा ली है तो अभी इसके अंदर डालना है जी सिंपल पानी डालना, अगर आप इसके अंदर वैक्स वगैरह भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल जाती है इसके अंदर। तो यहाँ से हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, सिंपली इसको हम करेंगे ऑन। ये अच्छा इसके दो वेरिएंट्स हैं, ये स्लो पे है ये हाई पे, तो अभी फिलहाल इसको हाई पे कर दिया, देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है इसको पानी को गर्म होने में और फिर स्टीम निकलने में। चलो जो दूसरे वाला निब्लादर होता है उससे टेम्परेरी सुकून मिल जाता है लेकिन ये कि उससे रेशा वगैरह ये वो चीज़ें साफ नहीं होती, वो डॉक्टर यही कहते हैं कि इसको स्टीम दें पानी की स्टीम दें, उसके लिए फिर हमें जरा कंट्रोल भी चाहिए था तो उसके लिए ये जो है शवेज के लिए जरूरी है। तो अभी पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया और भाप निकलना शुरू होगी, ये देखें भाप निकल रही है ऊपर से, इधर साइड वाला जो स्ट्रॉक है वो बंद कर दिया, तो ये इतनी भाप है कि आप ऊपर मुंह करें तो आपके लिए वो काफी है, बहुत ज्यादा नहीं। मैं पानी जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में मैंने डाला इसलिए कि अभी भाप की क्वांटिटी है वो भी कम है। नजला जुकाम खांसी होती है तो उसके लिए जबरदस्त है बच्चों को स्टीम करने के लिए। प्राइस की बात करें तो ये मेडिकल स्टोर से मुझे 1000 का मिला, ये कोई महंगा भी नहीं, जस्ट इसके साथ एक मेरे ख्याल में इसके अंदर हीटर सा है वो पानी को बॉयल करता है, हीट करता है और फिर स्टीम निकलती है। इसको इस्तेमाल करेंगे और मजीद जो रिजल्ट आएंगे वो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि ये वाकई कामयाब है या ऐसे ही है। तो अभी बारी है जी सरप्राइज की और वो रहे ये कोई सरप्राइज है, कुछ अम्मा जी ने दिए थे और कुछ मेरी तरफ से है, ये शवेज की मामा को देते हैं और फिर उनको ही कहते हैं कि वो ही ओपन करके उनकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। किधर हो भाई? ये ले लो ये आप लोगों के गिफ्ट है भाई। शवेज आ जाओ, आप तो बलून के पीछे ही पड़े रहते हो शवेज।
ये देखो आपकी मामा के लिए कितने गिफ्ट आ गए, ये चेक करें। आपके गिफ्ट हैं, एक ये है, एक ये है, ये तो पहले भी शायद दिखा चुके हैं, और इसके अंदर भी कुछ है। तो चलें जी, आप बारी बारी इनको ओपन करें, इनकी अनबॉक्सिंग करें और दिखाएं कि इनके अंदर क्या क्या है। ये आपकी वेडिंग एनिवर्सरी का अम्मा जी की तरफ से गिफ्ट है, सफायर लिटिल बाई लिटिल। वाह, चलें जी दिखाएं ये कैसा है, आपको पसंद भी आया है या नहीं। प्यार से आपको पसंद भी आता है, जबरदस्त चुनरी वाला डिजाइन है। ये देखा में दुपट्टा, ये वो है उसका क्या कहते हैं, शॉल टाइप है। ये है जी शॉल टाइप है, शॉल टाइप है, ये मोटा मोटा है दुपट्टा जो है। और ये मेरे ख्याल में शर्ट है, ये शर्ट है, और इसी में कहीं बाजू भी है। ये मेरे ख्याल में बाजू है कौन से, और ये बॉर्डर जो है ना ये शायद गले में आएगा। उसका जो कवर है वो मुझे लगता है कि आगे पीछे आप लोगों ने शावेज ने ले लिया था। शावेज आपको बहुत जरूरी होता है, पहले ही आप ले दे दें। नेट से देख लेंगे, नेट से देख लेंगे। चले हाँ, वो सफायर का वैसे भी उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा, नेट से देख कलर वहाँ से लेगा। थैंक यू अम्मा जी। हाँ अम्मा जी तो यहाँ पे है नहीं, अम्मा जी चली गई। ये क्या है, ये ट्राउजर है। अच्छा मैंने कहा ये भी कहीं दुपट्टा, नहीं नहीं ये ट्राउजर है, ये शर्ट, ये इसका मतलब ये थ्री पीस है। हाँ जी, और ये शॉल, ओ ये शवेद ने क्या हाल कर, शवेद देखो क्या इस ऐसे मामा की तरह दुपट्टा करो, ये इतना खुश होता कैसे कैसे दुपट्टा करके बैठा शवेद। इधर देखो कहाँ हो ऐसे, ओ ये तो दुल्हन बैठी अंदर, छोटी दुल्हन है, दूल्हे राजा दुल्हन बन के बैठ गई। ये वाला पैक मैंने लिया था। अच्छा चलो, आइडियो से ये तो गिफ्ट तो ना हुआ। हाँ ये गिफ्ट नहीं है, ये वैसे ही है, हमें वो आपको बड़ी बेडशीट्स का बड़ा शौक रहता ना कि मैंने बेडशीट्स लेनी, बेडशीट तो ये मैंने बेडशीट ली। ओ वाओ, ये देखिए ये फ्लावर्स वाली है, कौन सी फ्लावर्स बने हुए इस पे, फ्लावर्स छोटे छोटे टीनी फ्लावर्स हैं, वो बड़े ऐसे इधर से तो देखने में बड़े खूबसूरत लग रहे थे। ये ना अब ये बिछेगी तो पता चलेगा। ये देखिए ये कलर सेम नहीं है, जैसे ये वैसे ही लग रहा है कलर इसका, ये थोड़ा सा लाइट है और इसके साथ मिलता जुलता है, लेकिन इसका बस इसका वो प्रिंट का फर्क है, इसका प्रिंट और इसका वो वैसे ही उन्होंने ब्लॉक में खड़े होने की प्रैक्टिस हो रही है। शाबाश, गुड गुड, वेरी गुड, ये मेरे गिर गया। यस यस यस, डू इट, डू इट, डू इट, अगेन अगेन, ये ओ गिर जाता, ये बेडशीट पे ना गिर जाता, वैसे नीचे फ्लोर के ऊपर ये सही चल रहता है। मुझे सदाकत ने गिफ्ट दिया है वेडिंग एनिवर्सरी पे, वेरी नाइस। बिल्कुल ये कलर नहीं है आपके पास पहले, हाँ ये थोड़ा तो सा डिफरेंट कलर है, लाइनों वाली है, लेकिन ये उसका स्टाइल और है, इसका और है। इस बैग के अंदर जो गिफ्ट है ये दो है और इनको रैप किया हुआ है, ये मेरी तरफ से, इनको जरा खोले और दिखाएं, ये जरा सरप्राइजिंग गिफ्ट है आपके लिए भी, जबरदस्त। अच्छा चलें जी, ये दो बॉक्स हैं, वन टू, इनमें से बताएं किस में ज्यादा अच्छा गिफ्ट हो सकता है। शावेस पीछे हो जाओ, ये हैवी लग रहा है और ये तो बहुत ही लाइट है। शावेस ये मामा का गिफ्ट है बेटा, इसके अंदर टॉफियां है, इसके अंदर क्या हो सकता है आप बताएं, इसमें क्या हो सकता है। शावेस मामा को गाइड करें, मोबाइल होगा इसमें, मोबाइल लगता है, मोबाइल का शौक चढ़ गया। सरप्राइज है, देखें क्या निकलता है, कैंडीज निकलते हैं, देखो कैंडीज बिस्किट निकलते हैं, बबल गम निकलता है। 1 2 3 ओपन, ये क्या? क्या है, ये है जी रोमा बाय एंड्रोप, ये है परफ्यूम, लेट्स ओपन एंड चेक इट, इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, बॉटल निकालें और इसको चेक करें जी कैसा है। बड़ी ग्रेसफुल बॉटल है ये, देखें इसके साथ फ्लावर भी दिया, ये उन्होंने ब्लैक गिफ्ट किया। वाह जबरदस्त, बड़ी डिसेंट स्मेल है इसकी। अच्छा लेडीज जरा मैं भी लगा के चेक करूं कैसा है, बड़ी लाइट सी और एलिगेंट सी, बड़ी जबरदस्त सी स्मेल है। चले ये दूसरा बॉक्स ओपन करें, इसके अंदर क्या है जी, मेरी तरफ से तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, पता नहीं आपको सरप्राइज लगता है या नहीं लगता, आई डोंट नो। अच्छा इसके अंदर वही चीज है जो मोस्टली हस्बैंड जो है ना वाइफ को दिया करते हैं, तो ये वही वाली उनमें से ही कोई चीज है जो वाइफ को जरूरत भी होती है और लोग देते भी हैं, लेडीज हैं बड़ा खुश होती हैं इन चीजों को देख के। शवेद ने बहुत ज्यादा रोली डाली हुई तो आप लोगों ने फील नहीं करना, ये अब हमारे साथ होता है तो ये बहुत ज्यादा खप वगैरह डालना तो आप लोगों ने बिल्कुल फील नहीं करना। 1 2 3 गो, देखें जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी, एक माला टाइप नेकलेस है जो कि गले में यूज होता है, और ये कोई प्लास्टिक और ये रबड़ का नहीं है। अच्छा। ये वो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल नहीं है, ये ओरिजिनल गोल्ड का है, ये चेक करें आप ऐसे समझ लिए होंगे कि ये वैसे एनिवर्सरी का सही गिफ्ट। ये देखें
ये गोल्ड का ये चेक है। डिजाइन बड़ा खूबसूरत है आपने चूज किया है। बस मैं ऐसे गया शॉप पे, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलें यही उठा लेते हैं। कमाल कर दिया हस्बैंड आपने इस दफा तो। ये मेरी तरफ से परफ्यूम और ये नेकलेस ये मेरी तरफ से। तो कैसे लगे हैं? बहुत खुशी हो रही है, लास्ट टाइम भी बड़ा जबरदस्त गिफ्ट दिया था आपने। माशाल्लाह से सारे गिफ्ट जो है पसंद आ गए, लेकिन मेरा गिफ्ट जो है अभी तक पेंडिंग है। तो मेरा गिफ्ट कब मिलेगा भाई? मार्केट चक्कर लगेगा फिर आपको पता। अच्छा चलें जी, बहुत मुश्किल है मार्केट। चलें जी चलें जी, कोई बात नहीं, जब दिल करेगा दे देंगे, लेकिन हमने कोशिश की कि हम टाइम पे दे दें। लेकिन उस दिन हमने उस दिन हम पार्टी में नहीं दे सके, क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गए थे। तो इसलिए हमने कहा चलें जी पहले केक वगैरह जो है वो काट लेते हैं, गिफ्ट जो है वो बाद में दे देंगे। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। वैसे भी एक दूसरे को गिफ्ट देते रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है गिफ्ट देना जो है ना ये सुन्नत है। तो इसमें सवाब भी होता है और बरकत भी होती है, और आपके जो रिलेशन है वो भी स्ट्रांग होते हैं। तो ये खास दिन होता है हस्बैंड वाइफ के लिए, क्योंकि वैसे रूटीन में साल भर जो है बिजी रहते हैं अपने कामों में, अपने बच्चों के साथ। ये अब हमारा ये एक छोटा सा नमूना आ गया, तो इसके साथ बिजी रहते हैं। तो ये खास मौका होता है जिसमें हम अपनी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं और अपने रिलेशनशिप की याद को ताजा करते हैं। मतलब ये कि शादी की एनिवर्सरी करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। अच्छी बात है, कम से कम साल में एक दिन तो ऐसा हो जब हस्बैंड वाइफ मिलके बैठे और अपने रिलेशनशिप की याद को ताजा करें। तो आप लोग भी अपने रिलेशनशिप की याद को ताजा करते रहा करें, एक दूसरे को गिफ्ट देते रहा करें, ताकि आपकी रिलेशनशिप और आपकी जो क्या कहते हैं रिश्तों में मोहब्बतें हैं वो बढ़ती जाएं, गहरी से गहरी होती जाएं, स्ट्रांग होती जाएं। इसी के साथ आज वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वो भी रेडी हो गया भाई, तो ही कर दो।